तो कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे आज के एक और न्यू GTA 5 वीडियो के साथ वापस। और भाई ये बंदा मेरे तरफ इतने गुस्से से क्यों आ रहा? अच्छा एक सेकंड रुको। ओ भाई आते ही गुस्सा दे दिया तुम्हारी तो हमें। भाई ये बंदा आते ही मुझे गुस्सा दे चुका। अब मार के दिखा जरा, मार के दिखा। ओ भाई बच भी रहा है भाई साहब। ये सारे के सारे शहर के गुंडे हैं भाई, छोटे छोटे। अच्छा 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 भाई ये देखो क्या मस्त। ओ भाई बच गया। और भाई इसके एक दो मित्र और आ चुके हैं। ओ भाई आराम से भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ जरा एक बार। ये लो तेरी। तो भाई पता है गाइस ये लोग मेरे से क्यों? भाई ये कौन आ गया यार? तीन बंदे आ गए भाई, दोस्त गैंग के। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये लो, ये तो एक ही गुस्सा में चाहे ढेर होने वाला है भाई। बहुत ताकत है यार इनमें, इतना मारू भाई मार गया। ओके चलो, तीनों का ढेर हो चुके हैं। और भाई ये जो सामने आप लोग कार देख रहे हैं भाई, ये जो सामने सबसे पहले एक बंदा आया ना, इसी का कार मारकर मैंने छीना था, जिसकी वजह से भाई ये गुस्से होकर मेरे तो फाइट करने तक आ गया यार। ठीक है, तुम्हारे भाई ने तो मारकर उनसे कार छीन लिया। और गाइस बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की। तो भाई लास्ट वीडियो में आप लोग को पता ही होगा भाई, माइकल गया था नॉर्थ हैम्पटन और भाई वहां पे उसे चाइनीज गैंग के बंदों ने किडनैप कर लिया। तो भाई लेस्टर ने ट्रेवर के पास कॉल करके पूछा भाई चाइनीज गैंग में तुम काम करते हो क्या? तो भाई ये ट्रेवर है उसने साफ साफ मना कर दिया। और भाई ये ट्रेवर अभी भी फ्रैंकलिन के पास जा रहा है, इसके पुराने वाले घर पे। तो ये रहा सामने खड़ा फ्रैंकलिन, चलते ही से बात करते हैं भाई सबसे पहले। ओके ये भाई ये फ्रैंकलिन की आंटी है, कहीं पे जा रही है भाई अपना टहलने। और भाई ट्रेवर इसे गुस्सा हो गया, चलो ठीक है भाई इनको डरा दिया और भाई वो चला गया। और ये देखो माइकल के किडनैप होने का भाई इसको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है, बंदा फुल चिल मारते हुए आ रहा है। और ये देखो भाई जंप करने के चक्कर में गिर गया और फ्रैंकलिन इसके ऊपर हंस रहा है। तो भाई ये गुस्सा हो गया क्या ट्रेवर? भाई इससे एक बार बात कर लेते हैं अच्छे से भाई, ट्रेवर गुस्सा मत हो भाई। भाई ट्रेवर तो पूरा गुस्सा हो चुका है। ओके गाइस, तो फ्रैंकलिन से पूछ रहा है भाई जब तुम लोग नॉर्थ सेंटर गए थे तो माइकल वहां पे आखिर कहां पे गुम हो चुका है, तुम मुझे बता दो। तो भाई ये गाली दिए जा रहा है फ्रैंकलिन को, पर कुछ बता नहीं रहा यार। तो फ्रैंकलिन बोल रहा है यार बता दो, ज्यादा गुस्सा ठीक भी नहीं है, माइकल अपना बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो देखते हैं भाई इसमें अपने ट्रेवर कुछ हेल्प कर पाता है या नहीं। भाई ट्रेवर बोल रहा है कि मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा और गुस्से से यहाँ से जा चुका है। और भाई उसने एक चीज हमें बहुत अच्छे बता दी है कि भाई माइकल को जिन लोगों ने किडनैप किया वो चाइनीज गैंग के बंदे थे। ओके और गाइस अभी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है और हम आ चुके हैं स्विच होकर माइकल के करेक्टर को। ये देखो भाई चाइनीज गैंग के बंदे इसे लटका कर रखे, शायद ये लॉस एंजेलिस का ही जगह है जहां तक मुझे याद है। और भाई जो अपना लेस्टर है उसने माइकल के फोन को ट्रेक करके इसका लोकेशन पता कर लिया है। ओके भाई ये चाइनीज गैंग का हेड जो माइकल को किडनैप किया है। तो भाई लगता है ये लोग माइकल को बहुत ज्यादा मार रहे हैं यार, और ऊपर से लटका कर रखे। कोई दिक्कत नहीं माइकल, हम कोशिश करेंगे कि इसे बचा ले। चलते हैं सबसे पहले फ्रैंकलिन के करेक्टर पे। और भाई साहब हम जाने वाले हैं बस अभी थोड़ी देर, फ्रैंकलिन कैरेक्टर पे आ चुके हैं। और फ्रैंकलिन के पास भाई आया है लेस्टर के थ्रू एप, ट्रैकिंग एप करके आया है, उसी को हमें अपने फोन में ओपन करना है तो कर लेते हैं। ओके ये रहा ट्रैकिफाई करके इसका नाम है, चलो ठीक है लोड हो गया। और ये जो अपना माइकल है ना भाई उसका लोकेशन ट्रैक करेगा। और गाइस अपने फोन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक टाइमिंग चल रहा है, अगर भाई इतने टाइमिंग के अंदर हमने माइकल को नहीं ढूंढा तो चाइनीज गेम वाले भाई माइकल को मार देंगे। और गाइस माइकल अब दोबारा कभी लॉस एंजेलिस में, मतलब लॉस एंजेलिस से क्या भाई दुनिया से ही चला जाएगा, तो दोबारा कभी आएगा नहीं। और जो मोबाइल के ट्रैक के थ्रू रेड वाला जो आप लोग मार्क देख पा रहे हो उसी के पास अपना माइकल भाई है। तो ये भाई थोड़ा फैक्ट्री टाइप एरिया है जिधर ये लोकेशन दिखा रहा है। तो मैं तो जा रहा हूँ एकदम संभल के यार, समझ में नहीं आ रहा कि कट जाए तो कहाँ, राइट घूम रहे तो लेफ्ट दिखा रहा है लेफ्ट, एक सेकंड यहीं से मुझे नीचे जाना है क्या? अगर मैं देख पाऊँ तो नहीं 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 गलत जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ये जो रोड है ना भाई इसी से सीधा चलते, क्योंकि आगे कुछ रोड टाइप तो है ही नहीं जो इधर की तरफ राइट में दिखा रहा है लोकेशन। बट यार ये लोकेशन भाई कभी कभी गलत भी ट्रैक कर ले रहा है, अगर देखा जाए तो लोकेशन भाई उस साइड दिखा रहा है पानी के। तो भाई मुझे ब्रिज की तरफ से जाना पड़ेगा, रुक जाओ भाई गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो अपना जो माइकल है ना
भाई हमारे मिस्टेक की वजह से मारा जा चुके मार मतलब मर जाएगा, और जो उसका फैमिली है ना भाई वो सब सारे के सारे अकेले पड़ जाएंगे, और अपना एक बहुत अच्छा दोस्त हम लोग खो देंगे। और गाइस सेबर जब नॉर्थ एंटर गया था तो भाई एक चीज कंफर्म नहीं हुई कि जो चाइनीज गेम के बंदे हैं उसके अंडर अपना जो ट्रेवर है वो काम करता है या नहीं। उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरा चाइनीज गेम से कोई लिंक नहीं है। तो भाई आखिरकार इन लोगों ने माइकल को किडनेप क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल लोकेशन के थ्रू हमें आगे से यहाँ से राइट लेना है, चलो ठीक है। और भाई आस पास अपना माइकल है, और ये देखो भाई यही वाला लोकेशन है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जो गाड़ी यहाँ पे खड़ा करते। और भाई लोकेशन के थ्रू आगे ही दिखा रहे हैं, तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ एकदम आराम से। और ये बंदे चौड़ में मेरे सामने क्या आ रहे हैं भाई, वो भाई लोगों ने गन तान दिया मेरे ऊपर, एक सिर बच्चा भाई फोन फोन रखते हैं भाई तुम्हारी तो रुको भाई गन 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 निकालना पड़ेगा मुझे भाई, ये कितने खतरनाक बंदे भाई चौड़ में निकालते, तुम्हारी तो कहाँ के बदमाश हो गए, तुम लोग कहाँ के बदमाश हो गए, हमसे मिल रहे ये लोग पता। भाई एक चीज तो कन्फर्म हो गया कि माइकल इसी के भाई, कितने बंदे हैं अंदर, और जो तुम्हारी तो भाई गेट के पास था, मुझे लेना पड़ेगा एक कवर, तो सबसे पहले इसको मारते हैं, कवर लेते हैं भाई यहाँ पे, आगे चलते हैं सारे के सारे मर, मुझे कवर लेना था लेकिन कवर नहीं किया, चलो ठीक है अभी देखते हैं आगे कितने बनते हैं। भाई एक चीज तो मैं कंफर्म हो गया, इसका हेड दिख रहा है ये देखो कि माइकल भाई यहीं पे, और चाइनीज गैंग के जो बंदे हैं ना इस सारे फैक्ट्री को एकदम अच्छे से कब्जा कर बैठे हैं। तो चलते हैं अंदर देखते हैं आखिरकार माइकल है भी या नहीं भाई, कैसे सी फैक्ट्री है यहाँ पे, पूरा प्लॉट वगैरह पड़ा हुआ है भाई, किस चीज का काम। अरे भाई ये कवर खतरनाक ले, जो तुम्हारी तो कहाँ के बदमाश हो गए, तो कवर लेना पड़ेगा भाई यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा मुझे, बंदे बहुत है गाइस, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा भाई ये लोग मुझे इजी मारने को, भाई फाइट लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो ठीक है एक बंदा और सामने से कहीं से तो फायर कर रहा है, दिख जा मुझे बस है ये रहा, यही पे छिपा बस उठ जाइए, तुम्हारी तो पता नहीं कहाँ के बदमाश बन रहे हमसे चौड़ा रहे, ये बताओ ये ले तेरी तो। और भाई ये क्या ब्लॉड खोल रहा है क्या भाई इसके अंदर, मतलब देख रहे हैं आप लोग तो भाई देख पा रहे होंगे इसके अंदर पता नहीं ब्लॉड ब्लॉड वगैरह सा कुछ है यार, क्या काम करते हैं चाइनीज गैंग के बंदे। और ये आया, चलो भाई कवर ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, गाइस मैंने कवर भी गलत ही ले लिया क्या, इधर की तरफ कवर लेना पड़ेगा थोड़ा सा आगे चल के। हाँ ठीक है तुम्हारी तो बहुत बदमाश बन रहे हो भाई, माइकल को किडनैप कर लिया यार बताओ, ओके ओके संभल कर खेलना पड़ेगा। और भाई कितनी बड़ी गेम है यार, इनके बंदे खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। ओके लास्ट साइड ये बचा हुआ था इसको मैंने मार दिया, और भाई नहीं मैं गलत था एक और बंदा बचा था, चलो ठीक है फाइनली इनको हमने मार दिया, और चलते आगे की तरफ। और भाई कैसी फैक्ट्री है यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तक चाइनीज गेम के बंदे कौन सा बिजनेस करते हैं भाई, तो इतने सारे बंदे भी इनके पास, और ये देखो माइकल पे बंदा ये बैठ गया ले तेरी तो। और भाई ये कहाँ जा चुका है, और भाई ये कटर सा कुछ आ रहा है इसके ऊपर, और भाई ये कुछ गलत निकल गया यार कसम से भाई बहुत गलत हुआ इस बंदे के साथ। और ये ना माइकल इसको मैंने गन पकड़ा दिया मारो इसको, और गाइस मैं आ चुका हूँ माइकल के क्रिएटर पे, और भाई सबको यहाँ से पिस्तौल से मारना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे पास एक अच्छे से गन भी है। ओके ओके आराम से मारते भाई फ्रैंकलिन कवर दे भाई थोड़ा बहुत, और यार घर से एक बंदे निकल कर आ गए फ्रैंकलिन कवर दे भाई, तू तो इनके सामने थोड़ा कमजोर दिख रहा है। चलो ठीक है भाई फ्रैंकलिन यहाँ पे मस्त कवर दिया, और भाई सब ये जो बंदे हैं ना चाइनीज गैंग के कसम से इनके पास सेल्स बहुत है यार, बार बार उठ जा रहे हैं ये लोग, और यार मुझे यहाँ से खोल तो दे फ्रैंकलिन हेलो। चलो मैं फ्रैंकलिन के कैरेक्टर पे जाता हूँ, देखता हूँ भाई आखिरकार अपना माइकल कहाँ से नीचे आएगा, जैसे उन लोगों ने लटकाया होगा शायद उसका कुछ ना कुछ की वगैरह होगा, तो ये ना तेरी तो कहाँ से आ रहा है, चलते आएंगे तो ये तो गाने यहाँ पे शायद। और भाई ये किसने पकड़ लिया मुझे, और भाई फ्रैंकलिन को एक चाकू से मार देगा तो मुझे बचाना पड़ेगा, और भाई ये की गोली में उसको मारना पड़ेगा, तो रुक जाओ एक बार मैं अपने ये बैठा लूं। ये लो तेरी तो भाई माइकल ऊपर लटका हुआ है बिना, माइकल का बहुत तगड़ा है, और ये किसी के साथ माइकल इस यहाँ से भाई छूट चुका है, भाई फ्रैंकलिन का क्या मस्त साथ रहा। तो भाई मेरे पास तो कुछ अच्छा गन नहीं है, इन लोगों ने सारे के सारे वेपन मेरे से छीन लिए थे, तो इनका ही कोई सा गन छीन लेता हूँ भाई, इनके पास इतने तगड़े तगड़े वेपन है तो उठा लेते भाई, कुछ वेपन तो मिल नहीं रहे मुझे इनके पास से, तो चलो आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। और भाई आगे से भी बंदे का साउंड आ रहा है मुझे, ये लो तेरी तो भाई कहाँ के बदमाश बने फिर रहे हो तुम लोग हमसे, भाई एक सेकंड रुक जाओ पिस्तौल का तो एक बात है गाइस, अगर एक ही गोली अच्छे से हेड पे पड़ जाए ना भाई बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है,
और ये ऑटो गन भाई बार बार इनको मारना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मेरे पास एक एसएमजी गन आ चुकी है, तो आ जाओ भाई कवर दे भाई फ्रैंकलिन, मेरे पास और पर नहीं है भाई, रियल बना दूंगा चाइनीज गेम वालों को कसम से भाई, बहुत परेशान किया है इन लोगों ने मुझे। हारी तो हमें किडनैप करोगे। ओके हो गया, शायद से एक बंदा सामने की तरफ है तो उसको आगे जाकर मारना पड़ेगा क्या? निकल बाहर हारी तो चलो गई सही सब, ये सारे बंदे खत्म हो चुके, आ जाओ आगे तरफ। और भाई ये किसके कवर लेते हुए आ रहा है भाई, कितनी बड़ी गेम है यार, इनकी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है भाई, मारते मारते हम लोग थक चुके हैं। चलो ठीक है भाई, बंदा खतरनाक कवर लेकर आ रहा था यार हमें मारने के लिए। और यहाँ पे भाई चाइनीज किंग के पास कार भी बहुत सही सी है, तो चलो ठीक है आ जाओ फ्रैंकलिन किसी गन पे बैठ जाते हैं और फिर पीछे से तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे भाई, जाते जाते इनको भी खत्म करके जाएगा तुम्हारा भाई। तो चलो ठीक है भाई, यहाँ से मैं निकलता हूँ। और गाइस भाई कसम से फ्रैंकलिन ने अपना बहुत अच्छा साथ दिया और हमें यहाँ से इसने एस्केप करवा दिया। अगर भाई अपने साथ फ्रैंकलिन और लेस्टर नहीं होते ना तो इस दुनिया में माइकल नहीं रहता है अभी, क्योंकि भाई थोड़े ही टाइम में भाई चाइनीज गेम वाले जो थे वो माइकल को मारने वाले थे। तो अच्छा हो भाई लेस्टर ने इसका लोकेशन ट्रैक किया इसके फोन से और भाई फ्रैंकलिन ने जाकर माइकल को बचा लिया है। तो भाई कसम से एकदम मतलब अभी जाकर थोड़ा बहुत ठंडक मिला और गाइस मैं जल्दी से जाने वाला हूँ अपने घर पे, नहीं तो क्या पता भाई जो चाइनीज गेम के बंदे हैं वो अभी भी हमारे पीछे हैं। और भाई अपने पास ना ही कोई तगड़ा सा आर्मर है और ना ही कोई गन है, तो भाई वो हमें इजी मार सकते हैं। तो इसलिए भाई मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपने घर पे, और ना ही अपने पास पैसे है कि हम कुछ खरीद भी पाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से अपने घर पे और भाई वहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं हम सेफ हो पाएंगे कि नहीं। और गाइस मुझे नहीं लगता भाई चाइनीज गेम खत्म हुई होगी, क्योंकि ये सारे जो नीचे काम करने वाले बंदे थे ना वो लोग थे, और जो उसका हेड था ना चाइनीज गेम का भाई वो यहाँ से भाग गया, नहीं तो अगर उसको मार देते ना तो खेल ही खत्म हो जाता। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है, चाइनीज गेम से हमारी फाइट होती है नहीं, और उसका जो बॉस है चाइनीज गेम का वो हमें छोड़ता है कि नहीं। और भाई ये चाइनीज गेम वालों के पास गाइस कसम से जो गाड़ी है ना बहुत मस्त है, और भाई ट्रेवर ने साफ साफ मना कर दिया कि चाइनीज गेम के साथ मेरा कोई भी लिंक नहीं है। तो भाई मुझे भी लगता है कि ट्रेवर मतलब नहीं होगा लिंक, क्योंकि जब चाइनीज गेम के बंदे आए थे ना तो ट्रेवर वहां से भाग चुका था। और भाई थोड़ा बहुत शक मुझे ट्रेवर के ऊपर जा रहा है, लेकिन एक सेकेंड भाई गाड़ी ठुक गई यार बात ही बातों में। चलो ठीक है, लेकिन ट्रेवर में भाई मना कर दे कि मैंने माइकल को किडनैप नहीं करा है, तो पता नहीं चाइनीज गेम वाले अपने पीछे क्यों पड़े थे। जो भी है इसका पता करेंगे भाई, देखते आगे हमारे ऊपर कोई अटैक करता है कि नहीं। तो बस गई आज की इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगो। अगर अच्छा लगा ना भाई तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस जो भी बंदे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई तुम अपने भाई को चाहो ना तो जल्दी से 300 के करा सकते हो तो करा दो यार, इसमें क्या रखा है। और भाई कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको जी वाला वीडियो कैसा लगा, और भाई ट्रेवर के साथ देखते हैं हमारी दोस्ती बन सकती है या नहीं, और भाई ट्रेवर हमें दोबारा अपना दोस्त बनाएगा या नहीं, उसको पैसे की कमी थी तो देखते हैं उससे बात करेंगे। और गाइस जो भी बंदे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लेना। और यार एक चीज मुझे गाइस अभी याद आई भाई, मेरा जो KTM RC है वो तो मैंने एयरपोर्ट भी भूल गया हूँ, तो याद से जाकर भाई उसको भी लेते आएंगे घर पे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।